हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स जो कि जनजाति समूह जो बिहार में हैं उनसे संबंधित चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ये आपको जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार ज्योग्राफी का सेक्शन में और GS पेपर 2 में भी ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ट्राइब्स इन बिहार, बिहार में जनजाति समूह। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डेफिनेशन कि जनजाति का मतलब क्या होता है, उसके बाद में बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डाटाज वगैरह को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारा संविधान क्या प्रावधान देता है ट्राइबल्स को सुरक्षा के लिए, और उसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे बिहार में ट्राइबल्स के लिए बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं ट्राइब्स का डिफिनीशन। तो ट्राइब्स का डिफिनीशन अगर देखें तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट ऑल हैव कॉमन एंसेस्ट्री और कॉमन एंसेस्टर, अ कॉमन कल्चर एंड लिव इन देयर ओन इन क्लोज्ड सोसाइटी। इसका मतलब हो गया कि ये एक लोगों का एक ऐसा समूह है जिसके कॉमन एंसेस्टर है, जिसके पूर्वज एक रहे हैं, उनका एक कल्चर है और एक जगह पर उन लोग रहते हैं, एक इनक्लोज्ड सोसाइटी। इनक्लोज सोसाइटी का मतलब हो गया एक ऐसा दुनिया में रहते हैं जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा रहता है, अपना एक बंद दुनिया में रहते हैं। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह से सोशल डिवीजन है हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल सोसाइटी का, जिसमें कि एक फैमिली जो कि सोशल, इकोनॉमिक, ब्लड और कल्चर, डायलेक्ट्स, ये सब जो है एक कॉमन है। तो हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ट्राइबल्स ग्रुप है। अब हम लोग इसको बिहार के रिस्पेक्ट में कुछ अगर इम्पोर्टेंट अगर हम लोग डाटा देखें तो बिहार में 33 टाइप के ट्राइब्स हैं, मतलब 33 ट्राइब्स हैं। बिहार में अगर ट्राइब्स का पॉपुलेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन का 1.3% जो है वो पॉपुलेशन है बिहार में 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो है 958 है 1000 में, और लिटरेसी रेट की बात करें, शिक्षा का स्तर देखें तो बहुत बुरा है, 28.2% है। और टोटल पॉपुलेशन अगर बिहार में देखा जाए तो वो है 13,36,573। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का कि हमारा संविधान जो है किस प्रकार के प्रोविजंस इनको देता है इनके सुरक्षा के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स को सुरक्षा के लिए, सेफ गार्ड्स के लिए कुछ प्रोविजंस दिए हैं, उसको हम लोग 5 कैटेगरी में हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पहला हो गया एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड, मतलब शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जो संविधान प्रावधान है उसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल से वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(4) यानी 15(4) और 29 हो गया, 46 हो गया, 350। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है वो एजुकेशन और कल्चर सेफ गार्ड के लिए हैं। दूसरा देखें तो वो है सोशल सेफ गार्ड, सामाजिक सुरक्षा उससे संबंधित आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। और तीसरा हम लोग देखें तो वो है इकोनॉमिक सेफ गार्ड, मतलब आर्थिक रूप से उनके सुरक्षा के लिए जो संविधान में प्रावधान है उसके लिए है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275। अगर इसको सूची के अनुसार कहें, शेड्यूल के अनुसार, तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में जो है ट्राइबल्स के इकोनॉमिक सेफगार्ड के बारे में बताया गया है। पॉलिटिकली की बात करें तो राजनीतिक सुरक्षा के मामले में संविधान में जो दिया है वो आर्टिकल 164 में दिया है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर होगा स्टेट्स में। और आर्टिकल 330 इसमें बताया गया है लोकसभा में ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन। और आर्टिकल 337 इसमें बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन। और आर्टिकल 243 ये बताता है पंचायत में रिजर्वेशन के बारे में। तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड जो है ये दिया गया है आर्टिकल 164, आर्टिकल 330, आर्टिकल 337 और आर्टिकल 243। अब जो पांचवा है वो है सर्विस सेफ गार्ड। तो सर्विस सेफ गार्ड में यानी सर्विस सुरक्षा में देखें तो आर्टिकल 164 है, 16(4), आर्टिकल 335, आर्टिकल 320, ये सारे प्रोविजंस है संविधान में जो दिया गया है ट्राइबल्स के सुरक्षा के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो कुछ ट्राइबल्स हैं बिहार में उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन समस्या क्या है, उनकी समस्याओं की ओर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि इन लोग के पास ज़मीन की कमी, यानी लैंडलेस ट्राइब है, जो ट्राइबल्स हैं उनका जो है ज़मीन नहीं है। और इस जो लैंडलेस ट्राइब्स हैं जो कि जमीन विहीन ट्राइब्स हैं उनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसे हो गए जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, और दूसरा वो है जिनके पास जमीन नहीं है
घर बनाने के लिए या फिर उसका आश्रय लेने के लिए। तो इस तरह का लैंडलेस ट्राइब्स हैं। इसके लिए बिहार सरकार प्रयास भी कर रही है, इसमें जो है ट्राइबल्स जो है ट्राइबल्स के पास जो ज़मीन है उस ज़मीन को ट्राइबल्स के पास ही रखा जाए। उसके लिए जो है सरकार इसके लिए कुछ पॉलिसी इस तरह से बनाई है कि अब जो परमिशन नहीं है कि ट्राइबल्स अपना ज़मीन जो है नॉन ट्राइबल्स को बेच सकें, क्योंकि उनको एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता, और एक्चुअल प्राइस नहीं पता होने की वजह से जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बना देते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ठग लेते हैं। नेक्स्ट में देखें तो लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है ट्राइबल्स ग्रुप में, और उसके आगे देखें तो लैंड जो ट्राइबल्स का है, वो जो ज़मीन है ट्राइबल्स का, वो अब नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इलीगल तरीके से। बिहार में ये भी हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं है ट्राइबल्स का, और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी है, बेरोजगारी है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सप्लाइटेशन होता है, शोषण होता है, जिसमें कि बंधुआ मजदूर टाइप से भी शोषण होता है। और उसके अगला टॉपिक में हम लोग देखे तो वह है कि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब इनका जो स्वास्थ्य का भी सुरक्षा जो है वो अच्छा ढंग से देखभाल नहीं किया जाता है। अब है कि इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उन सारे स्टेप्स को हम लोग बात करते हैं, स्टेप्स टेकन बाय बिहार। सबसे पहला चीज़ है कि बिहार का कहना है कि इसको ऑडिट किया जाए, बिहार के जो बिहार का जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है उनको ऑडिट किया जाए, और इसके लिए एनजीओ का हेल्प लिया जाए, एनजीओ का सर्वे कराया जाए, और देखा जाए कि बिहार में जनजाति वर्ग का किस प्रकार की समस्या है और उनका किस प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। बिहार सरकार के द्वारा 15 आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल जो है बनाया गया है एसटी के लिए, जो कि अभी रन कर रहा है, 15 से ज़्यादा है, ऐसे 20 के आसपास में है। तो इतना आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 65 से ज़्यादा जो है रेसिडेंशियल स्कूल है वह है शेड्यूल कास्ट के लिए। तीसरा देखें तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि एससी एसटी दोनों के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, एजुकेशन में और अलग अलग क्षेत्र में भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। एससी एसटी एक्ट जो 1989 है तो उसको भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है बिहार में, उसको कड़ाई से लागू किया गया है। लोकसभा की विधानसभा की बात करें तो दो लेजिस्लेटिव असेंबली, दो विधानसभा सीट जो है टोटल, तो 243 सीट है विधानसभा का बिहार में, उसमें से दो विधानसभा सीट जो है एसटी के लिए ट्राइबल्स के लिए वो रिजर्व्ड है, जिसमें कि एक है मनिहारी जो विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा है कटोदिया, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है सुरक्षित है। 323 पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं जन वितरण प्रणाली, तो जन वितरण प्रणाली बिहार में बहुत सारे लोगों को अलॉट किया गया है, तो उसमें से 323 जो है पीडीएस एसटी को अलॉट किया गया है। और इसके अलावा और भी देखें तो सेंट्रल स्टेट प्रोग्राम, जो भी कल्याण जो कार्यक्रम सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा चलाया जाता है, वो सारे कानून भी एसटी के लिए लागू होता है, वो सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जो कि कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो एसटी के लिए भी लागू होता है। उसके अलावा देखें तो सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा ट्राइबल्स ग्रुप के लिए। थरहुट विकास योजना स्टार्ट किया जा रहा है, थरहुट जो कि थारू जनजाति है, जिनको कि 2003 में उसको शेड्यूल ट्राइब्स में उसको शामिल किया गया है, और इनका जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, वो है पश्चिम चंपारण में। और जो थरहुट विकास योजना प्राधिकरण जो है, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 उसके अंदर इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्राइबल्स से संबंधित था, जनजातीय समस्याएं और बिहार सरकार के द्वारा प्रयास, और उसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान हैं, उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग इसको देख लिए। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर मेंस में पूछता है कि बिहार के ट्राइबल्स की समस्याएं हैं, तो वहां पे आपको डिफिनीशन और उसके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी डालना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है ट्राइबल्स के अधिकार को, सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो उसके साथ आप जो है फिर उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्राइफेड वगैरह लाया गया है, जो कि ट्राइबल प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, और अलग अलग टाइप से जो कानून है, उन सबको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बिहार के स्पेशल में है तो बिहार सरकार के द्वारा प्रयास को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इसको, अगर कुछ और नया कुछ ऐड होता है तो मैं इसको फिर से एक वीडियो बनाना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।